नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज़। देखिए, माँ बनने का एहसास किसी भी महिला के लिए एक बेहद ही ख़ास एहसास होता है। देखिए, कहा जाता है कि उस दिन जन्म सिर्फ बच्चे का नहीं होता है बल्कि उस महिला को भी एक नई जिंदगी नसीब होती है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये सुख नसीब नहीं हो पाता है। बांझपन से जूझ रही महिलाओं के लिए अब IVF एक वरदान सा साबित हो रहा है। लेकिन अब सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि आखिर IVF होता क्या है, सवाल ये भी है कि आखिर IVF कैसे होता है, और सवाल ये भी है कि आखिर IVF में कितना रिस्क होता है। तो देखिए, इस वक्त लाइफ सिटीज़ की टीम मौजूद है AHIVF एंड इनफर्टिलिटी रिसर्च सेंटर में, जो कि पाटलिपुत्रा में है, और इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे अपनी डॉक्टर साहिबा जयश्री भट्टाचार्य जी से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी डॉक्टर साहिबा कैम्ब्रिज से पढ़ी हुई हैं, और हमारी डॉक्टर साहिबा आप ये कह सकते हैं कि IVF की फाउंडर मेंबर में से भी एक है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे ब्रीफ में कि IVF होता क्या है। IVF एक प्रोसीजर है जिसमें हस्बैंड का शुक्राणु वाइफ का एग्स वो मिला करके उसको फर्टिलाइज किया जाता है, और फर्टिलाइज हो जाने के बाद उसको एम्ब्रियो कहते हैं। जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसको वाइफ के गर्भ में उसको इम्प्लांट किया जाता है। उसके बाद जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है उसी तरह से वो बच्चा भी बढ़ता है। नॉर्मल डिलीवरी जैसे होती है वैसे ही बच्चे का जन्म भी होता है। प्रोसेस वही है, सिर्फ इनिशियली जहाँ प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, कंसेप्शन नहीं हो रहा, वो हम लोग हेल्प करते हैं लेबोरेटरी में उसका फर्टिलाइजेशन करने के बाद। ठीक है, तो जैसा कि आपने शॉर्ट में बता दिया हमें कि कैसे होता है IVF, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आप फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, तो जब शुरू हुआ था IVF, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ IVF सा हो भी सकता है, जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी कुछ मुमकिन हो सकता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि तब कैसे शुरुआत हुई थी इसकी, क्या कुछ हुआ था? इसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज शहर में। वहाँ प्रोफेसर बॉब एडवर्ड्स वो फिजियोलॉजी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और गायनेकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो। तो ये दोनों मिलकर के ये पद्धति को स्टार्ट किए। प्रोफेसर एडवर्ड्स जो है वो लैब में काम करते थे कैम्ब्रिज में, और पहले तो एनिमल्स के जरिए फर्टिलाइजेशन वगैरह इन लोगों ने किया। जो फर्टिलाइजेशन लैब में करने के बाद उस जानवर का जन्म होता है, लेकिन जब ह्यूमंस में आए तब तो गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हुई। जो फीमेल है, जो औरत है, उसके अंडे को हार्वेस्ट करने की ज़रूरत हुई। तो उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी उसमें लैप्रोस्कोपी के द्वारा अंडे को कलेक्ट किया जाता था, और उसके बाद वो लैब में फर्टिलाइज करने के बाद उसको उस औरत के गर्भ में उसको रखा जाता था। ऐसे करते करते करीब 9-10 की और भी ज़्यादा फेलियर के बाद पहला बच्चा जो हुआ वो 1978 में उसकी पैदा हुई। तो ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है। जो उसके बाद फिर उसकी बहन भी IVF के थ्रू ही पैदा हुई।
तो मतलब इस तरह से उसकी शुरुआत हुई, इसी तरह से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन जैसा कि अभी मैं सुन रही थी आपको, तो आपने बताया कि फेलियर्स भी बहुत आए, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ फेलियर्स आए, कोई ऐसा केस जो आपको याद हुआ हो, जो अभी भी याद हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब कुछ नया होता है, तो जाहिर सी बात है कि कई बार फेलियर्स तो बहुत हुए हैं शुरू में, क्योंकि बहुत सारे चीज़ IVF में जो अभी नेचुरली हम लोग कर लेते हैं, उस वक्त उसकी जानकारी नहीं थी, उसकी क्या टाइमिंग होना चाहिए, उसको किस मेडिसिन से कब उसको ओव्यूलेशन होगा, ये सारे जानकारी धीरे धीरे करते करते तब आज हम लोग पहुँचे हैं इस स्थिति में, जो इतने IVF सेंटर खुल गए हैं। लेकिन प्रॉपर IVF सेंटर अभी भी वर्ल्ड में बहुत कम है, कम नंबर में है, इसलिए कि उस फील्ड में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और बहुत कम जगह है जहां IVF की प्रॉपर ट्रेनिंग हुआ करती है। तो इसी तरह से IVF अभी इतना पॉपुलर हो गया है, पॉपुलर हो गया है और उस तरह से ग्रो कर रहा है। तो देखिए, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भी मेरे जहन में आया कि जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि तब जब IVF हुआ था तो तब बिल्कुल नया नया सा था, लेकिन अब जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है, हमने बात भी की, लेकिन अब भी एक सवाल है, क्योंकि आप बाहर से आई हैं, आपने देखा है, आप फाउंडिंग मेम्बर्स में से रही हैं, क्या कुछ टेक्निक है अब भी जो हमारे भारत में नहीं है लेकिन विदेश में उस टेक्निक के थ्रू IVF बड़ी आसानी से हो जाता है? नहीं, जो भी टेक्निक IVF के लिए ज़रूरत है वो सारे टेक्निक भारतवर्ष में अभी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी भारतवर्ष से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है IVF ट्रीटमेंट के लिए, नहीं है। नहीं, मतलब हम लोग पूरी तरह से इसके लिए, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है, सारे तो मुकम्मल है, मतलब भारत में वो मुकम्मल सारे टेक्निक्स का यूज हो रहा है जो बाहर में इस्तेमाल की जा रही है। तो अच्छा, ये एक और सवाल हम करना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से IVF का हम जिक्र करते, रिस्क कितना है औरतों के लिए, कितना रिस्की है? कोई रिस्क नहीं है, जाने भी जाती हैं, कई बार इस तरह के भी केसेस आए हैं। किस तरह के केसेस बोल रही है? रिस्क तो कुछ नहीं है, रिस्क नहीं है, मतलब अगर हम महिला, कोई लाइफ रिस्क नहीं है। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसी तरह से प्रेगनेंसी होती है, उसमें रिस्क फैक्टर कुछ नहीं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं, मतलब ये टोटली सेफ है, एकदम सेफ। तो जिस तरह से, मतलब आपसे हम लोगों ने चर्चा की कि बिल्कुल IVF कितना सेफ है महिलाओं के लिए, एक और सवाल है मेरा कि क्या अगर कोई महिला IVF कराती है तो क्या गारंटी है कि उसको बच्चे हो ही जाएंगे? क्योंकि IVF इज़ वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा होता है IVF, तो क्या ये गारंटी होती है कि बच्चे का जन्म हो ही जाएगा? नहीं, गारंटी नहीं है, अभी तक भी गारंटी नहीं है, जो ट्रीटमेंट करने के साथ साथ उसको प्रेगनेंसी हो जाएगा, उसको बच्चे भी डिलीवर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, गारंटी नहीं है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मेरा होगा, अगर हम प्राइस की बात करें, जिस तरह से यहाँ इंडिया में, हमारे भारत में काफ़ी एक्सपेंसिव है IVF, तो क्या बाहर अगर हम विदेश से उसको कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करें तो रेट में क्या फ़र्क है? IVF में, IVF का कॉस्ट इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम है, ऐसे इतना कम प्राइस में IVF हो सकता है, ये बाहर में लोग सोच भी नहीं सकते। तो सुना आपने क्या कुछ कह रही थी डॉक्टर साहिबा, उन्होंने बताया कि IVF वाकई में एक वरदान है उन तमाम महिलाओं के लिए जो अभी भी संतान सुख से वंचित हो जाती हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।